केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कृषि अध्यादेशों को लेकर इनेलो राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस को नागनाथ और बीजेपी को सांपनाथ बताया। दोनों ही पार्टियां आपस में सांठगांठ करके एक दूसरे को विरोध करती हैं, जबकि अंदर से यह एक है। यह किसान विरोधी अध्यादेश कांग्रेस की देन है और यदि कांग्रेस 2013 में यह बिल लेकर न आती तो आज यह अध्यादेश लागू न होते। कांग्रेस को केवल इस मामले में उंगली कटाकर शहीद होना चाहती है। पीपली में हुए लाठीचार्ज पर अभय ने कहा कि सारी मीडिया ने दिखाया कि किस तरह किसानों पर लाठियां बरसाई गई। अनिल विज पर टिप्पणी करते हुए अभय ने कहा कि यहां तुम्हारा दाढ़ी वाला सारा दिन झूठ बोलता है। इस दौरान इनेलो पदाधिकारियों ने रोष मार्च निकालते हुए डीसी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। जब भाजपा सरकार ने किसान विरोधी अध्यादेशों को लेकर दस्तावेज तैयार किए थे, इनेलो ने उसी समय विरोध किया था। कांग्रेस के लोग उंगली कटाकर शहीद होना चाहते हैं। यह अध्यादेश कांग्रेस की देन है। यह बिल कांग्रेस 2013 में लेकर आई थी, उस समय बीजेपी विरोध कर रही थी। कांग्रेस की अपनी सहयोगी पार्टियों ने इसका विरोध किया था। यदि कांग्रेस यह बिल लेकर न आती तो किसानों की फसल MSP पर खरीदी जाती और किसानों का एक एक दाना खरीदना सरकार की मजबूरी हो जाती। लोकसभा के दौरान कांग्रेस के सांसद हाउस छोड़कर चले गए ताकि उनका कोई सांसद इस बिल के समर्थन में वोट न करे। कांग्रेस व बीजेपी मिलकर देश से किसान को खत्म करना चाहती है। किस तरह से इसका विरोध प्रदर्शन करते हैं? हमने जिस दिन इन्होंने इसके दस्तावेज तैयार किए थे, जैसे ही हमें इसकी सूचना मिली, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसने उसका उसी वक्त विरोध किया था। आज कांग्रेस के लोग भी जो हैं कहीं उंगली कटा करके शहीद होना चाहते हैं। ये देन कांग्रेस की है। अगर कांग्रेस इसको 2013 के अंदर इस बिल को ना लेकर के आती, अगर वो इस तरह की किसान को कमजोर करने की कोई नीति ना बनाती तो शायद आज ये बिल टेबल ना हो करके किसान की फसल MSP पे खरीदी जाती और किसान का एक एक दाना सरकार की लेना एक मजबूरी हो जाती। लेकिन कांग्रेस ने 2013 में इसी को बिल के रूप में लेकर के लोकसभा में आए थे। उनको इसलिए मुंह की खानी पड़ी कि उस वक़्त में कांग्रेस के साथ जो अन्य दल उसका सहयोग करके उसकी सरकार चला रहे थे, उन सब ने इसका विरोध किया और उस विरोध के चलते इनको टेबल किया हुआ बिल वापस लेना पड़ा। उस वक़्त बीजेपी विरोध कर रही थी, लेकिन आज बीजेपी जब इस काले कानून को लेकर के आई है तो कांग्रेस ने सड़कों पे, अखबारों में, टीवी पे तो विरोध किया छोटा मोटा, लोकसभा के अंदर आपने देखा होगा कि बिल गिर ना जाए इसके खिलाफ वोटिंग में कहीं इसकी अपनी पार्टी के लोग या इनके सहयोगी इनके खिलाफ कहीं वोट डाल करके इस बिल को पास होने में दिक्कत ना आ जाए, इसलिए 44 सांसद जो कांग्रेस के वॉकआउट करके हाउस छोड़ करके चले गए। हाउस छोड़ करके जाने का मतलब है कि आप इनडायरेक्ट वे के अंदर उसकी मदद में लगे हुए हो। कांग्रेस बीजेपी दोनों मिल करके इस देश के किसान को ख़त्म करना चाहती है। जहाँ इस देश के किसान को ख़त्म करना चाहती है, वहीं इस देश के अंदर उनकी एक सोच है कि रीजनल पार्टियां जो लोगों के साथ खड़ी होकर के न्याय करवाती है, उनको भी कमज़ोर किया जाए। ये लगातार आपस में मिलकर के इस तरह की योजनाएं बनाने में लगे रहते हैं। कांग्रेस नागनाथ है, बीजेपी सांपनाथ है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही तरह के लोग हैं। आज किसान अच्छी तरह से इस बात को समझ चुका है, जागृत हो चुका है कि ये दोनों पार्टियां केवल तुम्हें मारने के लिए आपस में साठ गांठ करके लोग दिखाव के रूप में एक दूसरे का विरोध करती है। अंदर खाने सब लोग एक हैं, इसलिए हमने पहले दिन से इस बात को लेकर के फैसला किया था कि इस इशू को लेकर के कोई भी किसान संगठन आगे आएगा तो हमारी पार्टी उसके साथ खड़ी होकर के उसकी मदद करेगी। कोई नहीं इसके लिए लड़ाई लड़ेगा तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने तौर पे किसान के साथ न्याय हो इसके लिए लड़ाई लड़ेगी। सरकार कह रही है कि समर्थन मूल्य भी रहेगा। आपने देखा नहीं लाठी चार्ज? फिर आप किस सरकार की बात करते हो? सरकार है, झूठों का टोड़ है, गिरोह है, आप उसकी बात करते हो। मुझे हैरानी होती है पत्रकार साथी जब मुझसे ये पूछते हैं कि पिपली में लाठी चार्ज नहीं हुआ। आपने सब अपने कैमरों से दिखाया है कि किस तरह से किसानों के ऊपर प्रवरता के साथ लाठियां बरसाई गई है। जहां तुम्हारा ये दाढ़ी वाला सारा दिन झूठ बोलता है,
भाई मुख्यमंत्री भी आज इसके साथ खड़ा होकर के, क्योंकि ये किसान के विरोधी है। इन्होंने किस दिन खेत में हल चलाए थे? इन लोगों ने तो लोगों की थड़ी पे बैठ करके मुफ्त की चाय पी करके राजनीति करने का काम किया। जिस दिन किसी किसान के खेत में हल चला करके देखेंगे तब इनको एहसास होगा कि किसान किन मजबूरियों के साथ, कितनी मुश्किलों के साथ फसल पका करके इस देश का पेट भरने का काम करता है।